सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रूपा सुयाल और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूपा सुयाल ब्लॉग्स में। दोस्तों, अभी सुबह के 10 बजने वाले हैं और आज है मेरा वट सावित्री का व्रत। तो आप सभी लोगों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। तो दोस्तों, व्रत की पूजा भी मैंने कर ली है और मुझे वट का पेड़ नहीं मिल पाया। वट की टहनी पिछली बार तक मैं मंगाती थी तो नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने जैसा पहली बार करा था नारियल के, उसमें मेरे को पंडित जी ने बताया था, वैसा ही मैंने आज करा। तो मेरी पूजा तो हो गई है, मम्मी ने वेदू को स्कूल के लिए तैयार भी कर दिया है। तो मैंने सोचा व्लॉग की स्टार्टिंग कर ली जाए। और आज देखो, मैंने ये वाली साड़ी पहन रखी है जो मैंने कल आप लोगों को बोला था मैं लेके आई हूँ, चाची के भैया की शादी की ये साड़ी। और पूरा कुमाऊनी परिधान में मैं तैयार हो रखी हूँ, नथ मांग टीका लगा रखी है मैंने और ये रहा मेरा पिछौड़ा। तो मन करता है कि ऐसे ही मैं इन कपड़ों को पहन के चल जाऊँ, मतलब पिछौड़ा वगैरह पहन के, नथ तो नहीं, पिछौड़ा बहुत अच्छा लगता है। तो इसको तो मुझे उतारना पड़ेगा और अभी मैं वीडियो भी नहीं बना सकती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे दुकान भी खोलनी है। तो अभी चलते हैं दोस्तों स्कूल को, वेदू को छोड़ के आते हैं। वेदू का मामा छोड़ेगा या मम्मा छोड़ेगी? मामा छोड़ के आएगा आज, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। लगाया आज तूने काजल? आज तो न्यू सूज भी पहने हैं दोस्तों इसने, और परसों सॉक्स भी मिल गए थे स्कूल से, लेकिन सूज वेदिका की ताई ने भेज रखे हैं, मैंने खनसू से ही मंगा लिए थे क्योंकि मुझे सूज नहीं मिले ना। अच्छे लग रहे सूज, ठीक है। चलो मामा, तुम भी तैयार हो गए हो। ये वाले हाँ यूज तो हो ही जाएंगे। तो दोस्तों, ये वो आलू हैं जो मम्मी लगा के गई थी इस बार, और मम्मी ने पूरे आज सुबह सुबह खुदाई करके सारे के सारे आलू निकाल लिए हैं, और पूरे आलू इतने सारे हैं हमारे। घर के कहाँ हैं तुम्हारे वाले? हमारे इधर से हैं, वो अलग से। ये ऊपर बाड़े में होंगे ना, बड़े बड़े वाले? हाँ, ये सब है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं पुल में, गोलू वेदू को स्कूल छोड़ने के बाद फिर घर आया, उसके बाद अभी हम लोग दोबारा आ गए हैं, मतलब हम लोग ये आ रहे हैं, गोलू आ रहे हैं दूसरी बार दुकान में। को कह रहा पीछे से समझ में ही नहीं आ रहा था वाला आपकी दुकान कहाँ है, मैंने कहा इतना इजी तो है, पुल के बगल में उतनी बड़ी दुकान नहीं दिखी तेरे को। कह रहा पीछे से कुछ समझ नहीं आता है वाला। तो ये वापस घर आया, फिर हम दोनों अभी साथ में आए। आज मैंने इससे दो चार वीडियो भी बनवाई, बहुत परेशान करा मैंने इसको वीडियो के चक्कर से। अब हम पहुंच चुके हैं, दुकान खोलते हैं पहले, फिर मिलेंगे आपसे। दुकान भी खोल ली है और दुकान खोलते ही मुझे मिली कब्बू की भाभी। इनका मायका भी मेरे वहीं है, मतलब हम दोनों का मायका एक ही जगह है। और ये अब हल्द्वानी रहती है, पहले तो ये यहीं रहती थी, फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए हल्द्वानी चले गए थे ये, तो बच्चों की छुट्टी हो गई है बोल रही है। आज मैं उनको छोड़ने के लिए यहाँ आई हुई हूँ, तो उनसे मिले। अब हम लोग बैठ चुके हैं यहाँ, झाड़ू लगाने का तो कोई फायदा नहीं है बगल वाली दुकान में क्योंकि वहाँ पूरी धूल ही धूल हो रखी है, कल शाम जब हवा चली ना तो उसकी वजह से, ये देख गाड़ी आई ना अभी, उसकी वजह से हो रहा है ये। बहुत परेशान है दोस्तों, कोई कुछ कर सकता है तो बता देना। हवा की वजह से परेशान तो हूँ, लेकिन गाड़ी की वजह से ज़्यादा परेशान हूँ। हवा तो कभी कभी आती है ऐसी वाली, लेकिन गाड़ियाँ तो हर वक्त भरभरान चले रह रही हैं, जिससे यहाँ अंदर धूल ही धूल हो रही है। और पत्थर लगा रही हूँ तो लोग पत्थर भी हटा दे रहे हैं, मैंने कुछ कुछ पत्थर लगाए हैं जिसकी वजह से लोग थोड़ा तमीज से चलते हैं, लेकिन जो जो हटा के जा रहे हैं उनको देख के भी मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि उनको ये नहीं पता कि अंदर दुकान में कितनी ज़्यादा धूल बैठ रही है इसकी वजह से। वो तो हम जानते हैं जो अंदर बैठे हुए हैं, और पंखा नहीं होता तो पता नहीं क्या ही होता मेरा तो सच में। अभी भी हम लोगों ने चला रखा है पंखा, और गोली तो इधर का गोली तो इतना परेशान हो गया होगा, कह रहा होगा आज दीदी ने सुबह से वीडियो में ही लगा रखा है मेरे को और बोर कर दिया ना। अभी भांजी चली गई ना तो थोड़ा बोर हो रहा है बेचारा, सुबह से उसके साथ ही लगा था। तो अभी हम लोग अब बैठते दुकान में, आप लोगों से मिलेंगे थोड़ी देर बाद, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में।
3560350 डॉक्टर कदीर नेट नेट है ये नेट है वाईफाई वाईफाई हो जाएगा ऑफिस अंग्रेजी बात करने के लिए थोड़ा थोड़ा ना 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 नहीं ये नहीं हुआ कोई होंगे जो जो जॉब में होंगे बाहर वो बोल सकते होंगे नहीं तो कोई नहीं है चलो इधर एक आती है इधर से 3500 किलोमीटर है कच्चा सा पालक है तो चार बागे डिफरेंट है ये वाली पेंटिंग जाने लग गई है महाराज ने हमारे फोन में गूगल पे कर दिए हैं अब हमको तो देना ही पड़ेगा ये नहीं आएगी पन्नी में ठीक है और इसको मैं पोछ रही हूँ पहले पोछने दो तो मेरी मम्मी भी आ गई है अब मम्मी लेके आई है गोली के लिए खाना और गोली गेम खेलने लग गया वाह यार गोली का खाना तैयार हो चुका है बाजार वाला ना वाला दोस्तों अभी तक आए हुए थे मधुबन में एक सर आए थे केरला के तो वो घूमने के लिए भी आए होंगे और मधुबन में जो भी काम होता है वो करने के लिए भी आए होंगे तो आज उनकी ट्रेन है शाम 5 बजे की तो उन्होंने बोला थोड़ा लोकल घूमने के लिए आया था और मुझे ATM से पैसे निकालने थे वो इसलिए यहाँ आए हुए थे तो वहाँ जाने में मधुबन पैदल जाना था इसलिए देर हो जाती इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि आपके पास अगर कैश है तो आप मुझे दे दीजिए मैं गूगल पे कर दूंगा करके तो ऐसे ऐसे पहले स्टार्टिंग में उन्होंने सामान लिया थोड़ा बहुत फिर उन्होंने जो कैश लेना था वो मुझसे लिया और फिर मुझे जो है वो केरला की मिठाई खुले चीज़ था खुले तो नहीं अरे ये देखो मुझे केरला की एक मिठाई होगी फेमस कुछ नाम तो मुझे नहीं पता उसका बट वो मुझे देके गए वो शायद मधुबन में जब आए होंगे उन्होंने थोड़ा थोड़ा टेस्ट सबको कराई होगी और वो वहाँ का अचार भी लेके आए हुए थे तो एक अचार था अदरक का और एक था खजूर का छोटे वाले डिब्बे में अलग अलग वो लेके आए होंगे उन्होंने थोड़ा सा मुझे भी टेस्ट कराया मैंने बोला सर आ मेरा फास्ट है मैंने अमन लोगों को थोड़ा टेस्ट करने के लिए बोला उन लोगों ने करा और फिर वो मेरे लिए भी देके गए मुझे बोले थे कल आप टेस्ट करना इसको और जितना भी उन्होंने सामान लेना था वो लेने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने ली अगली बार मैं अपनी बीवी को यहाँ घुमाने के लिए लेके आऊँगा बोल रहे थे और उनकी बीवी जो है IPS ऑफिसर होगी अपना भी वो मधुबन में आए हैं वैसे तो कुछ काम करते ही होंगे मतलब बताया आपने बारे में बहुत कुछ उन्होंने लेकिन मुझे आधे से ज़्यादा उनकी भाषा समझ में नहीं आती बस इतना ज़रूर समझ में आया उनकी बीवी IPS ऑफिसर है करके क्योंकि उसमें कान खड़े हो जाते हैं ना और फिर वो बोले थे अगली बार मैं घुमाने के लिए लेके आऊँगा तो कौन सी जगह अच्छी रहती है करके तो हमने बताया उनको कि नैनीताल और कैची धाम वगैरह सब जगह जाते हैं लोग बोले थे नैनीताल में तो बहुत ज़्यादा क्राउड है मुझे शांति शांति वाली जगह चाहिए जैसे आप लोगों के यहाँ मतलब तो मैंने कहा अगली बार ज़रूर आप यहाँ आना और आप लोगों को हम घुमाएंगे करके यहाँ दुकान की सब वीडियो बना के ले गए वो और अभी दोबारा यहाँ आए थे और वो यहाँ से ले गए बीड़ी उनको बीड़ी में स्वाद आ गया 41 बीड़ी में स्वाद आया मम्मी उनको वहाँ उन लोगों के लिए नॉर्मल है ना हम लोगों के लिए ठहरा तो वो ले गए यहाँ से 10 बीड़ी कह रहे मेरे को आप 10 बीड़ी दे दो करके तो बहुत मतलब खुशी हुई उनसे मिलके और अच्छा भी लगता है ऐसे बाहर वाले लोग आते हैं मैंने आप लोगों को बोला है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है तो फिर उसके बाद मम्मी लोग भी आ गए थे क्या ये देखो तो फिर मम्मी लोग भी आ गए थे और तब से फिर हम लोग लगे हैं ऐसे ही काम में और वेदिका सुयाल भी स्कूल से आ गई है अब ये खाना खाएगी फिर घर को जाएगी तो शाम के 7 बजने वाले हैं और मैं जाने लग गई हूँ घर को वेदु लोग चले गए थे 4 बजे के करीब और मैं अभी जा रही हूँ जल्दी जल्दी जा रही हूँ आज क्योंकि
पूजा करूंगी और मेरे को अजीब सा भी लग रहा है साड़ी में थोड़ा, तो मैंने सोचा थोड़ा जल्दी जाया जाए। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं आपका 7:48 और हम लोग पहुंच चुके थे 7:30 से पहले घर। तो घर पहुंचते ही मैंने देखा मम्मी ने यहाँ लिंगूड़े की सब्जी काटी हुई है। ये रहे लिंगूड़े जो मम्मी कल लेके आई हुई थी, कल हम लोगों ने हरी सब्जी बनाई हुई थी ना, तो मम्मी वहाँ से उगल भी लेके आई थी। हरी सब्जी होती है थोड़ा खट्टी खट्टी सी होती है, तो वो लेके आई थी, वही बनाई क्योंकि हरी सब्जी सूख जाती। वो शायद दीदी के ससुराल से आई हुई थी तो वो मुझे भी खाने को मिल गई। और दूसरा हम लोग बनाएंगे आलू मटर, क्योंकि हमारी दुकान में मटर थी ना सफल वाली, तो वो भी ले आई। ये मटर भी ना सॉरी ये आलू भी मम्मी ने घर के ही काटे हैं। और ये रही सफल वाली मटर, तो आज देखते हैं कैसा बनता है बिना लहसुन प्याज का खाना। और ये रही घर की खीरा, घर की ककड़ी बोली थी, ये रहा घर का खीरा, इसको भी लेंगे हम सलाद के तौर पे। तो दोस्तों अभी बन रही है फिलहाल हमारी चाय, तो चाय वाय बनाते हैं और आप लोगों को मिलते हैं पूजा करने के बाद। आज बने हैं मठा के आलू, हमने मटर नहीं बनाई, हमने बनाए मठा के आलू और बहुत ही स्वादिष्ट। कोई मुझे रोटी दे सकता है? दे दो फिर। नहीं